वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें खैर से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बेस्ट ऑफ सोनाली बेंद्रे सीन पर, हम साथ साथ मूवी के। तो चलिए फ्रेंड, वेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विवेक, सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो होना ही चाहिए। जी हमारे वो दोस्त अभी तक नहीं आए। अरे मर गए, खट गए, कोई है? लो आ गए। जल्दी से खाने का सामान उठाओ। क्या हुआ प्रीतम अंकल? अरे कुछ मत पूछो बेटा, 25वीं सालगिरह इनकी और 25 चक्कर हमारे। काम धंधा छोड़ो और इनके तोहफे के पीछे दौड़ो। बातें बंद, चल तोहफा निकाल। देखा भाभी, आया ना पॉइंट पे। देता हूं। ये ले, ले तेरी शेरवानी के लिए पॉकेट वॉच। और भाभी ये आपके लिए कान के बूंदे। आज के फंक्शन के ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है। आप बड़े फॉरवर्ड है, आपको पहले ही पता था जवाई बाबू क्या ला रहे हैं। भाभी जी, जमाई बाबू सिर्फ आप ही के हैं क्या? हमारे कुछ नहीं। ये बनारस का घूंघट तो देखो। मामी जान, मामी जान। पकड़े गए। बेसन के लड्डू पकड़े गए भाई, अपन तो खाएंगे। एक डॉक्टर ने मना किया। अरे छोड़ ना यार, मेरी बेटी डॉक्टर क्या बन गई? जीना हराम कर रखा है डाइटिंग करवा करवा के। मगर अंकल प्रीति है कहाँ? आ रही होगी डॉक्टर सेन का साथ में। राम किशन जी, भाभी जी मुबारक हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे वाह, फुल फैमिली इज हियर। डॉक्टर अंकल, प्रीति कहाँ रह गई? अरे कहाँ गई, साथ साथ तो थी। अरे ओफो, ये लड़कियां भी बॉयज लोगों से कम नहीं। जहाँ बचपन की फ्रेंडे मिली वही फिनिश। गुड, वेरी गुड भाई, प्रोग्रेस इज मच बेटर देन आई थॉट। थैंक यू विवेक। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई रामकिशन जी, मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने अगर चाहा तो हम हाथ की मूवमेंट फिर से शुरू करवा कर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, जब से आपके टच में आए हैं हमें तो पूरा विश्वास हो गया है। अरे ऐसी भी क्या बात है रामकिशन जी, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी होम्योपैथी ने कई बार अपना असर दिखाया है, चाहे वो चोट बचपन की क्यों ना हो। लेकिन फायदा तो तब होगा सर जब विवेक भैया सही वक्त पर अपनी दवाई लेंगे। ये तो भाईजान है जो पीछे पड़े रहते हैं, वरना भैया को काम से फुर्सत कहाँ। जी डॉक्टर साहब, इनकी दवाई की शीशी हमेशा हमारी जेब में होती है। ऑफिस के अंदर चाहे चीखे चिल्लाए हम उधर टपक पड़ते हैं इनको दवाई देने के लिए। चलिए मुंह खोलिए, दवाई का टाइम हो गया है। थैंक यू भाईजान। डॉक्टर साहब, मेरा हाथ ठीक होना हो इतना विश्वास जरूर है कि आपके साथ रहकर हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लेकिन एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिलने वाली है। ओ विवेक बेटे, इतनी तारीफ मत करो कि मैडम हवा में उड़ने लगे। डॉक्टर साहब ट्रेजेडी देखिए, बेटी के नाम पे रेस्टोरेंट्स खोले, कितनी बार कहा कि वहां जाकर बैठो, खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, पर नहीं। पता नहीं आपके पेशे में क्या मोती जड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अंकल को जब भी भूख लगती है ऐसे ही कहते हैं। ओ बेटे, अगर दिन भर तुझे भी ककड़ी और गाजर खाना पड़े ना तब पता चले। देखो पर आज पार्टी में मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा, और फिर ऊपर से प्रेम आ रहा है, आज तो डबल खाऊंगा मैं। ओके डन 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 डन, चलो शाम को पार्टी में प्रेम से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा बाय एवरीबॉडी, बाय प्रीति। बाय एवरीबॉडी। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर प्रीति, वन मिनट प्लीज, हैव अ सीट राइट हियर, आई बी राइट बैक। हेलो हेलो जी, आज हमारे मंजले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी? ए क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है? लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते एक दिन इन दो दिलों को एक होना है। वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों जी? प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छी बात यह है, हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। प्रेम भैया तो संत आदमी है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना जी, आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है? जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। क्या डेंजर आदमी है। This boy deserves a slap. एक बार फिर। हाय। आंटी, प्रेम भैया आ गए। आ गए। Yeah.
रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, द फैमिली दैट प्रेस टुगेदर ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ, मामी के बच्चे। ले, साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू जी। हमें भी? आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। समोसे तो कड़वे होते हैं। हाँ। आनंद बाबू। हाँ जी। आप चाय और लेंगे? No, thanks. प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है। अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। चलो चलो। ओहो, आइए आइए होने वाली भाभी जी, कहाँ छुपी बैठी थी आप अब तक। जी ये तो शर्मा रही थी, कहीं प्रेम भैया यहाँ तो नहीं। जी घबराइए मत, वो तो खुद आपके डर के मारे कहीं छुपे बैठे हैं। जी आपको शर्म नहीं आती हमारे प्रेम भैया का ऐसा मजाक उड़ाते हुए? जी आप भी कुछ कम नहीं है। भाई कुछ भी कहो, आप दोनों ने वो तस्वीर वाला मजाक करके बेचारे प्रेम भैया को खूब फंसाया। और फंसाया भी तो क्या खूब आनंद बाबू, बुजुर्गों की बात सुनकर आ रहा हूँ, कल घर में सत्यनारायण की पूजा है और साथ साथ प्रेम भैया और प्रीति भाभी की सगाई। Yes, now that's perfect. Thank you, Anand Babu. Thank you. अरे क्या प्रेम भैया, आज आपकी सगाई है, थोड़ा ऐश वैश कीजिए, सजिए धजिए, ये टेंशन में क्यों बेटा? सॉरी सर। लीजिए मम्मी, हमारे साले सब तैयार हैं। मम्मी, मुझे लगता है आज आपके लाडले कुछ गहरे चिंतन में हैं। आज से ये सोचना करना बंद, चलो उठो। चलो उठो माँ। आओ साधना, प्रेम को एक अंठा पहना दो, ये भाभी का नेग होता है प्रेम। आओ। वाओ। चलो बोल, आज क्यों खामोश है? क्या बोलूं माँ, माँ पूछ रही है तू खुश है कि नहीं। एक बार प्रीति से तो पूछा था, क्या वो खुश है? सॉरी माँ, मैं पहले ही कहता था इन्हें कोएड में भेजना चाहिए था। चुप साधना, अब तुम ही समझाओ इसे, बुद्धू कहीं का। आनंद बाबू चलिए। चलिए प्रेम भैया, लड़की अपने दिल की बात आंखों से कह देती है, और कैसे प्रीति की आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही है। पलके उठाकर आईने में खुद को एक बार देखो तो सही प्रीति भाभी। हाय, श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वकील साहब, ये लीजिए सगाई की अंगूठी। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। क्या बात है विनोद बाबू। मम्मी। अरे मम्मी, मम्मी क्या कर रहा है? आप तो मम्मी का पल्लू छोड़। How cute! भैया, भाभी इंतजार कर रही है। ओ बल्ले बल्ले। प्रीतम जी। जी
आज से हो गई प्रीति ऑफिशियली हमारी। अच्छा अटेंशन तुम संभालो। प्रेम बेटे, ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। हाँ इतना कह सकता हूँ, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। वाह क्या सीन थे, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, और प्रीति बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और बहुत ही क्यूट लगती हैं, और बहुत ही कितनी प्यारी स्माइल है उनकी तरफ से मैम। और सलमान खान भी, और सलमान खान और सलमान खान और प्रीति की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। सब लोग ज्यादातर ये मूवी में जोड़ी को पसंद किया है काफी ज्यादा। सब लोग ज्यादातर ये मूवी जो है प्रीति और सलमान खान के लिए देखते हैं, और जब अंगूठी पहना रहे थे तो क्या मम्मी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही इस मूवी के सभी सीन बहुत ही अच्छे हैं और देखने में बड़ा मजा आता है, सब पूरी फैमिली के साथ देखने लायक है। और फैमिली खान कितना चलाने कर रहे हैं, हर जगह पे खिंचाई, हर जगह की चाय, सबसे लाडले और सबसे नटखट बने हैं, तो वाकई वो पूरा अपना रोल अदा कर रहे हैं। तभी की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही थी, और जब एंगेजमेंट के लिए तैयार हुई तब की थी प्यारी दिख रही थी, और उनका हाल भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ सलमान खान का कंठा कंठा बहुत अच्छा था, भूल गए थे नाम। हाँ हार के जैसा था ना, तो वो हार ही दिख रहा था, तो लग रहा था हार है। और वो जो आकाश बाबू है उनका रोल भी बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर में है, कैसे भाभी की हेल्प कर रहे थे, पकौड़े बना के लाए थे। उन्होंने कहा था कि हम लेडीज की मदद करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।